कोरोना वायरस के संक्रमण से बचने के लिए शासन के निर्देश पर जनपद में लॉकडाउन पूरी तरह से चल रहा है। जिले की पूरी नाकेबंदी करा दी गई है। आवश्यक सेवाओं को छोड़ करके से सभी को हिदायत की गई है कि वे अपने अपने घरों में रहें, और पूरे दिन हम ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि सड़कों पर किसी का आवागमन अनावश्यक न हो, लोग घरों से बाहर न निकलें, किंतु साथ ही जो आवश्यक सेवाएं हैं उसे भी प्रदान करने के उद्देश्य से आज सवेरे 9:30 बजे तक जो महत्वपूर्ण दुकानें थीं, इसके अलावा दवा की दुकानें लगातार खुली हुई हैं, और प्रतिदिन प्रातः 9:30 बजे तक अभी डीएम साहब और हमारा जो आपस में संवाद हुआ है उसके बाद हम लोगों ने तय किया है कि दूध की दुकानें, सब्जी की दुकानें, फल की दुकानें, किराना की दुकानें और अन्य आवश्यक सभी चीज़ों से संबंधित दुकानें प्रातः खुली रहेंगी और उसके बाद 9:30 बजे के बाद बंद होंगी। किंतु जो अत्यावश्यक हैं, जैसे गैस है, पेट्रोल पंप पेट्रोल है, मेडिकल है, ये यथावत पूरे दिन, जैसे अगर 24 घंटे खुलती हैं तो 24 घंटे खुली रहेंगी, उसमें किसी भी प्रकार की कोई तब्दीली नहीं होगी। समस्त पुलिस कर्मियों को तदनुसार निर्देशित कर दिया गया है और उसका पालन कराया जा रहा है। जनपद देवरिया के सभी नागरिकों के प्रति मैं आभार भी व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने जब अभी पिछले दिनों माननीय प्रधानमंत्री जी के निर्देश के क्रम में पूरे देश में जनता कर्फ्यू लगा था, उसमें भी देवरिया में अभूतपूर्व जनता कर्फ्यू रहा और आज भी पूरे जनपद में, जनपद का पूरा भ्रमण हमने डीएम साहब ने किया है, हमारे सभी अधिकारी लगातार भ्रमणशील हैं, सीडीओ साहब, सारे एडीएम्स, एडिशन एसपी साहब, सारे एसडीएम्स, डीएफओ साहब और नीचे के सभी अधिकारी सेक्टरों में उनकी ड्यूटियां बनाकर जो लगाई गई हैं वे सतत भ्रमणशील हैं। हमारा पूरा फोर्स मुस्तैद है और हम आगे आने वाले दिनों में यहाँ की जनता के सहयोग से जो शासन के निर्देश हैं उसका अक्षरशः पालन सुनिश्चित करेंगे। यहाँ की जनता भी इस मामले में अत्यंत संवेदनशील है और वो प्रशासन को पूरा सहयोग दे रही है। हमें उम्मीद है कि इसी प्रकार का सहयोग हमें भविष्य में भी मिलता रहेगा।